अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सीनियर मैनेजर अरीब नूर हेयर। अभी मैंने अपना पार्सल पिक किया है, रिसीव किया है, और मैंने सोचा कि मैं इसको अनबॉक्स करते ही आपको एक छोटा सा रिव्यू दे दूं। मैंने जो ऑर्डर में मंगवाई हैं वो मैंने मंगवाई हैं हॉट ऑयल ट्यूब्स, ठीक है। हॉट ऑयल ट्यूब बेसिकली एक हेयर प्रोटीन है, ये प्रोटीन ट्रीटमेंट है, ठीक है, जो अक्सर पॉलर्स में करवाया जाता है ना, ये वैसा ही है, पर ये आप अपना खुद घर में कर सकते हो, ठीक है। इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, इसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि आपने शैम्पू कर लिया, कंडीशनर कर लिया, उसके बाद आपने इसको गर्म करना होता है, पानी गर्म करना होता है, पानी गर्म करके कप में डालेंगे और उसको बिल्कुल इस तरह से रखेंगे। इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो सारा एक्टिवेट हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है, और इंग्रेडिएंट उसके जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। फिर आप उसको अपनी रूट्स में लगाएं और रूट्स में लगाकर मसाज करें, इससे हेयर फॉल भी कम होता है, हेयर्स की ग्रोथ अच्छी होती है, उसके अलावा इससे डैंड्रफ भी ख़त्म होती है और हेयर डैमेज भी कवर होता है, यानी कि ये मतलब बहुत अमेजिंग एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसके बारे में बात करूँगी, बहुत अच्छा जेल है ये, आम नॉर्मली जो जेल्स होते हैं उससे काफ़ी अच्छी इसकी स्टिकनेस है, नॉन स्टिकी है ये, और 48 आवर्स जो है वो होल्ड करता है, ठीक है, बहुत अच्छा है ये, हेयर्स को डैमेज नहीं होने देता। और उसके अलावा लव नेचर का शॉवर जेल, ठीक है, इनोवेटिंग कोकोनट वाटर एंड मेलन, ये है मैंने मंगवाया है। पहले मैंने यूज़ किया था मिंट एंड रसबरी का, बहुत अमेजिंग था, इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता, वन ड्रॉप जितना यूज़ होता है ये, और अब मैंने ये ट्राई करना है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। सोप्स हर बंदा यूज़ नहीं कर सकता, ये चीज़ अच्छी है कि आप अपने वॉशरूम में ये रखो और थोड़ी सी ये यूज़ होती है, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा, इन तीन प्रोडक्ट्स का रिव्यू तो मैंने दे दिया, अब नेक्स्ट ऑर्डर आएगा तो उसका भी मैं साथ ही रिव्यू दे दूँगी।